हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गुड़ और मूंगफली की चिक्की, जिसे पीनट चिक्की भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक कप मूंगफली ली है बिना छिलके वाली सिक्की हुई, और इसी के साथ एक कप गुड़। और यहाँ मैंने लिया है एक पॉलीथीन, जिसके ऊपर हम बनाएंगे हमारी चिक्की। इससे हमारी चिक्की चिपकेगी नहीं। हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं, अच्छे से फैला देंगे। ऐसा करने से चिक्की चिपकती नहीं है। आप चाहें तो किसी थाली में या प्लेट में भी चिक्की बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक पैन में गुड़ डाल दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून पानी, जिससे कि हमारा गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा। अब हम इसे चलाएंगे। हम इसे लगातार चलाएंगे जब तक कि हमारा गुड़ पिघल नहीं जाता। मैंने यहाँ सिकी हुई मूंगफली ली थी, जिसके छिलके उतरे हुए होते हैं। अगर आपके पास सिकी हुई मूंगफली नहीं है, तो आप कच्ची मूंगफली को पैन में 2 से 3 मिनट तक सेक लें और फिर उसके छिलके उतार लीजिए। आपकी मूंगफली एकदम चिक्की बनाने के लिए रेडी हो जाएगी। ये देखिए, धीरे धीरे हमारा गुड़ पिघल रहा है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनकी चिक्की दांतों में चिपकती है या फिर काफ़ी कड़वी हो जाती है, तो वो किन वजह से होती है, यही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि आपकी चिक्की एकदम परफेक्ट कैसे बनेगी एकदम मार्केट स्टाइल में, वो आप यहाँ ध्यान दीजिए। ये देखिए, हमारा गुड़ अच्छे से पिघल गया है, इसमें बबल्स भी आने लग गए हैं। चिक्की मुँह में क्यों चिपकती है और कड़वी क्यों बनती है, वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम गुड़ को कितना ज़्यादा पकाते हैं। अगर हम इसे कम पकाएंगे तो ये दांतों में चिपकेगी, और अगर हम इसे ज़्यादा पका लेंगे तो इसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। इसलिए हमें इसे परफेक्ट पकाना है। ये देखिए, अभी भी ये कच्ची है। हम इसको चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने का यही तरीका है कि आप पानी में 2-3 ड्रॉप्स इसके डालें और इसे चेक करें। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमारी गुड़ है अभी भी चिपचिपा है। ये देखिए, ये अभी चिपचिपा है, खींच रहा है, स्टिकी है, यानी अभी तक ये रेडी नहीं है। हम इसे फिर से चलाएंगे। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है, नहीं तो गुड़ जल सकता है। हम उसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये प्रोसेस हमें 3 से 4 बार करना है। ये देखिए, ये अभी भी चिपचिपा है, यानी अभी भी ये रेडी नहीं है। क्योंकि गुड़ को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसे चेक करना है। ये देखिए, ये थोड़ा कलर में चेंज हो गया। हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। ये एकदम टाइट हो जाएगा, टूटने लगेगा अपने आप। ये देखिए इस तरह, तो यानी हमारी चाशनी एकदम रेडी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें हमारे मूंगफली डाल देंगे और इसे जल्दी से चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करके। मैं पहले गुड़ की चाशनी में घी डालना भूल गई थी, इसलिए मैं यहाँ 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम बंद करके इसे हम हमारी पॉलीथीन में निकाल लेंगे। घी या ऑयल डालने से चिक्की बहुत शाइनी बनती है। ये देखिए, इसका कलर कितना बढ़िया आया है, एकदम शाइनी शाइनी ये बनी है। आपको इसे हाथों से नहीं प्रेस करना है, ये बहुत गर्म है, हाथ में चिपक सकती है। आप इसे पॉलीथीन पर ऐसे फैला लीजिए, या इसे किसी कटोरी या प्लेट से भी आप फैला सकते हैं। अच्छे से इसे फैला कर हम इसे थोड़ा बेल लेंगे। जितनी मोटा ये आपको चाहिए, आप उतना पतला या मोटा इसे रख सकते हैं। पर ये काम हमें थोड़ा जल्दी करना होता है, क्योंकि ये ठंडी हो जाती है तो फिर नहीं फैलती है। ये देखिए, एकदम सेट हो गई है ये। अब हम इसे निशान लगा लेते हैं, जिस भी शेप में और जितने बड़े पीसेस आपको चाहिए आप इसके कट लगा लीजिए। मैं इसे हल्के हल्के कट लगा रही हूँ। जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा, फिर हम इसे पीसेस में कट करेंगे। कोई तीखी धार वाला चाकू या कोई भी चीज़ आपके पास हो, आप उसे इसे प्रेस करिए, जिससे इसके पीसेस एकदम अलग हो जाएंगे। मैं इसे ज़ोर से दबाकर
अलग कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम सेट मार्केट जैसी बनी है, आराम से हमारे पीसेस बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए अब आप भी आसानी से घर पर मार्केट जैसी चिक्की बना सकते हैं। सर्दियाँ आने वाली हैं, दिवाली आने वाली हैं, तो हर कोई इसे घर में बनाना पसंद करता है। इसकी तासीर भी बहुत गर्म होती है, तो सर्दियों में तो अक्सर ये बनाई ही जाती है और खाने में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।